आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च एंड सेलुलोज ओसाजोन टेस्ट नहीं देते, बल्कि इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ओसाजोन टेस्ट देते हैं। क्वेश्चन 53, एंट्रोपी मेजर्स, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस आर रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, रैंडमनेस। क्वेश्चन 54, हाइड्रोक्साइड कंसेंट्रेशन इज 10^-7, पी एच विल बी, तो अगर हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन 10^-7 है तो हाइड्रोजन प्लस की कंसेंट्रेशन होगी, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन भी 10^-7 ही होगी, क्योंकि कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर होती है कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस के। तो ये तो है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। pH का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन, तो अगर हम इसकी कंसेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा 10^-7, माइनस सेवन लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा, माइनस सेवन लॉग के स्टार्ट में आ गया और लॉग 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लॉग 10 बराबर होता है 1 के, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू आ जाएगी pH 7। क्वेश्चन 55 है, अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट बेस इज, ब्रोंस्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस एक्सेप्ट करती है H प्लस आयन। जैसे NH3 एक बेस है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन को दे देगा, तो ये NH3 एच प्लस आयन के साथ जोड़कर NH4 प्लस बना दिया, ओवरऑल इस बेस ने H प्लस के आयन को एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चन 56, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हदायत सादी वाज रिटन बाय अल्ताफ हुसैन हाली। क्वेश्चन 57, ग्लूकोज डिक्रीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन, तो थायामीन प्रोटीन की कमी की वजह से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। क्वेश्चन 58, इन स्पोनिफिकेशन केमिकल यूज्ड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्पोनिफिकेशन के अमल में फैटी एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसके नतीजे में सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बनता है, दिस विल रिएक्ट विद फैटी एसिड टू फॉर्म सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, और यही तो सोप होता है, इसी चीज को सोप कहा जाता है और इस अमल को स्पोनिफिकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन 59, स्टडी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ नोवेल मटेरियल इज कॉल्ड सिरामिक्स। क्वेश्चन 60, जिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज एंड स्टोरेज ऑफ इंसुलिन, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसुलिन की कंसेंट्रेशन को बैलेंस करता है जिंक आयन, इंसुलिन कब रिलीज करनी है और कब स्टोर करनी है, इट विल बी रेगुलेटेड बाय जिंक। क्वेश्चन 61, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट ओनली इन मिल्क इज लैक्टोज, मिल्क के अंदर लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 62, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू कन्वेक्टिव हीट गेन, तीन किस्म के हीट एक्सचेंजेस होते हैं, एक होता है कंडक्शन जो कि दो बॉडीज के इन टच होने से होता है, हॉट बॉडी से हीट फ्लो करती है टूवर्ड्स द कोल्ड बॉडी, और एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि डिफरेंट मटेरियल्स जैसे डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर के बीच में एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा होता है, कंडक्शन में सेम फेज ऑफ मैटर का एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा होता है जैसे सॉलिड से सॉलिड के अंदर होगा, जबकि कन्वेक्शन में क्या होगा कि गैस से सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफर होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कन्वेक्टिव हीट गेन कैसे होता है, ये अगर अर्थ है और ये इसके इर्द गिर्द एटमोसफेयर है तो सूरज से आने वाली रेडिएशन अर्थ की तरफ आ जाती हैं, लेकिन जब वो अर्थ के साथ टकराती हैं तो उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, जब वेवलेंथ बढ़ जाती है तो वो फिर एटमोसफेयर के अंदर ही रिटेन कर जाती हैं, यानी एटमोसफेयर वापस से उनको डायरेक्ट करता है टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, वो एटमोसफेयर के अंदर से नहीं निकल सकते, जिस वजह से क्या होता है कि अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसमें एक तो यहाँ पर कन्वेक्शन होती है, ज़मीन के इर्द गिर्द गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और गैसेस ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं तो वो ज़मीन के करीब ही कंसंट्रेटेड रहेंगी और ज़मीन को अपनी हीट ट्रांसफ़र करेंगी, और एक तो यहाँ पर कन्वेक्शन होती है कि ये हीट वापस से एटमोसफेयर के अंदर डायरेक्ट हो जाती है, इन दो तरीकों से ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन 63, इन मेथनॉल लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन आर
ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स हैं। मेथनॉल कुछ इस तरह से होता है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। क्वेश्चन 64, फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड होता है। क्वेश्चन 65, सोडियम कार्बोनेट आकर इन विच प्रोसेस, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है सॉल्वेंस प्रोसेस में। क्वेश्चन 66, सब्सटेंस ऑन विच एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस विल बी कॉल्ड एड्सॉर्बेंट, जिस सब्सटेंस के ऊपर एड्सॉर्प्शन का अमल होता है उसको एड्सॉर्बेंट कहा जाता है और जो चीज एड्सॉर्ब होती है उसको एड्सॉर्बेट कहा जाता है। ये एक सब्सटेंस है जो अपने ऊपर किसी भी केमिकल को एड्सॉर्ब कर रहा है, तो जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब कर रहा है उसको एड्सॉर्बेंट कहा जाएगा और जो चीज एड्सॉर्ब हुई है उसको एड्सॉर्बेट कहा जाएगा। एड्सॉर्बेट, बेंट एंड बेट। क्वेश्चन 67, इन बीटा डीके एटॉमिक नंबर चेंजेस बाय इंक्रीज बाय 1, चूंकि बीटा रेडिएशंस होती हैं 0 और -1, तो नीचे वाली जो चीज है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऊपर वाला नंबर एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो -1 का मतलब है कि ओवरऑल जिस चीज से बीटा रेडिएशंस इमिट होंगी उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ होगा बाय 1। ये एक मेटल है, इसके अंदर से अगर बीटा रेडिएशंस इमिट हुई हैं और ये इसका एटॉमिक मास है और ये इसका एटॉमिक नंबर है, तो ओवरऑल एटॉमिक मास सेम रहेगा क्योंकि बीटा रेडिएशन का एटॉमिक मास 0 है, जबकि एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज बाय 1। ये -1 इस +1 को बैलेंस करेगा तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट। क्वेश्चन 68, लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑन अर्थ इज, तरबेला डैम है। क्वेश्चन 69, थर्मोडायनामिक्स स्टडीड इन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। क्वेश्चन 70, विच इज द कोपोलीमर, नायलॉन 6-6 इज अ कोपोलीमर और इसके अलावा जितने भी पॉलीमर्स थे वो सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स से बने थे, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 71, विच इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, ये छह जगहों से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, एक यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक यहां से, और इधर नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दो जगह ये बन रही हैं और तो ओवरऑल छह जगहों से ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन विच स्पीशी इज यूज्ड, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में मोस्टली इथाइलीन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड को यूज किया जाता है, उसका एब्रीविएशन है EDTA। क्वेश्चन 73, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कलर एटसेट्रा इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। यानी अगर हम आयरन की एग्जांपल लें तो आयरन का कभी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा और कभी इसका +3 होगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर पाई जाती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। क्वेश्चन 74, वैल्यू ऑफ के इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज, तो K की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में पर सेकेंड होता है। वैल्यू ऑफ K मालूम करने के लिए एक जनरल फार्मूला होता है मोल पर लीटर n-1 इंटू पर सेकेंड। इस फार्मूले के अंदर n के अंदर आपने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिखना है, तो इस केस में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 है, n की जगह 1 आ जाएगा, तो +1 -1 दोनों एक दूसरे के साथ कट कर 0 आंसर आ जाएगा, तो ओवरऑल ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो आंसर आपके पास आएगा पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाले रिएक्शन जो होते हैं उनकी के वैल्यू का जो यूनिट होता है वो पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन 75, कास्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड इन डायाफ्राम सेल, और इस सेल को नेल्सन सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन 76, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इज ओलिक एसिड, ओलिक एसिड एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन 77, हाइड्रेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑलवेज डाइहाइड्रेटेड। क्वेश्चन 80, 35% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अमोनियम नाइट्राइड, अमोनियम नाइट्राइड के अंदर
जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो 35% है। आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, जिसमें आप ऊपर पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखते हैं। नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है तो इसके दो एटम हैं, एक एटम का एटॉमिक मास 14 होता है, तो 14 और 14 28 हो जाएंगे, 28 बटे ओवरऑल। अमोनियम नाइट्रेट का एटॉमिक मास होता है 80, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो आंसर जो आएगा वो होगा 35%। क्वेश्चन 81, लो स्पिन स्टेट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आयरन अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसका स्पिन स्टेट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। आयरन जो होता है उसके अंदर टोटल 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d6 4s2। अगर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे और 4 के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन। तो डी ऑर्बिटल के फर्दर 5 सब शेल्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ओवरऑल इसका स्पिन स्टेट हाईएस्ट है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी फिर ज्यादा होगा। क्वेश्चन 82 है, अल्कलाई मेटल्स आर नेम्ड बिकॉज देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक। अल्कलाई मेटल्स जो होते हैं ये बजाते खुद भी बेसिक होते हैं, इनके ऑक्साइड्स भी बेसिक होते हैं और इनके हाइड्रोक्साइड्स भी बेसिक होते हैं, तो इनका नाम ही अल्कलाई इस वजह से है कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं और मोस्टली ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। क्वेश्चन 83 है, मास आपको गिवन है 10 ग्राम एंड वॉल्यूम आपको 100 ग्राम्स गिवन है, देन फाइंड द मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास बटा मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास आपको 10 ग्राम गिवन है और वॉल्यूम आपको 100 मिलीलीटर गिवन है। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम मास मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू पुट करेंगे तो हम मोलैरिटी मालूम कर सकते हैं। मोलर मास यहाँ पर हम मालूम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डेटा इनकम्प्लीट है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन कम्प्लीट नहीं है। क्वेश्चन 84, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन या पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम साइमल्टेनियसली नहीं मालूम कर सकते। क्वेश्चन 85 में एक रिएक्शन है एराइल हैलाइड प्लस सेकेंडरी अमीन, इन दोनों का जब आप इसमें रिएक्शन होता है तो टर्शियरी अमीन बन जाता है। होता कुछ यूं है कि ये हैलोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाता है तो हाइड्रोजन हैलाइड बन जाता है और ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा इस एराइल ग्रुप से, तो ये अब टर्शियरी अमीन है। इस रिएक्शन के नतीजे में टर्शियरी अमीन बनेगा। क्वेश्चन 86, क्रिस्टलाइजेशन एक्सप्लॉइट डिफरेंस इन वेट फैक्टर। आंसर है मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइजेशन किस वजह से होती है? डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट की वजह से। एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट दूसरे सब्सटेंस से डिफरेंट होगा तो इनका डिफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन पॉसिबल है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हम मान लेते हैं 10 है और बी का मेल्टिंग पॉइंट अगर 20 है तो अगर हम इनके सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो ए पहले क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, उसको हम निकाल देंगे और बी फिर बाद में क्रिस्टलाइज आउट होगा। क्वेश्चन 87, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज 25.4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्वेश्चन 88, कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज कायरेलिटी। ये यहाँ पर खाली जगह पर था, यानी कायरल कंपाउंड्स ही ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। क्वेश्चन 89 है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पोलर सेल इज कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पोलर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। क्वेश्चन 90, अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद 3 मोल्स ऑफ इथाइल हैलाइड विल गिव विच मेजर प्रोडक्ट। अगर हम बेंजीन को 3 मोल्स ऑफ इथाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो 1,3,5 ट्राई इथाइल बेंजीन बनेगा। ये बेंजीन है, इसको रिएक्ट किया हुआ है 3 मोल्स ऑफ इथाइल हैलाइड के साथ, तो इस रिएक्शन के नतीजे में बेंजीन की इन 3 पोजीशंस से ये हाइड्रोजन एटम्स निकल जाएंगे और ये 3 हैलोजन एटम्स के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और इन ही 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी इथाइल ग्रुप की। तो इसको नाम दिया जाएगा 1,3,5 ट्राई इथाइल बेंजीन और साथ में निकले हैं 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। क्वेश्चन 91 है, साइक्लोब्यूटाडाइईन इज
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लोब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यह हकल रूल को फॉलो नहीं करता, बल्कि ये इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4n है। अगर हम n की वैल्यू इधर 1 पुट करेंगे तो ये 4 × 1 = 4 होगा, यानी पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 4 हैं। ये पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स से बना है और ये वाला पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स से बना है। तो जब भी किसी चीज के अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n हो तो उसको एंटी एरोमेटिक कहा जाता है, और एंटी एरोमेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्वेश्चन 92 उर्दू अदब में से है, गुल खिलाना ये एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अजीब काम करना। क्वेश्चन 93, इनकोरेक्ट अबाउट द एंट्रोपी इज पाथ फंक्शन। एंट्रोपी इज नॉट पाथ फंक्शन, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, इसका इस बात से कंसर्न नहीं होता कि इनिशियल से फाइनल में जाते वक्त कौन सा रास्ता अडॉप्ट किया गया है। ये स्टार्ट में अगर एंट्रोपी है और ये अगर फाइनल एंट्रोपी है, तो स्टार्ट से फाइनल में जाते हुए अगर डिफरेंट रास्ते हैं तो एंट्रोपी का ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि कौन सा रास्ता अडॉप्ट किया गया है इनिशियल से फाइनल में जाते हुए, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन 94, फिनाइल एसिटाइलिन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया विल फॉर्म ट्रांस 1,2-diphenylethene। ये वाला जो रिएजेंट है ये हमेशा करवाता है ट्रांस हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाता है, लेकिन वो भी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, इसलिए इसको ट्रांस हाइड्रोजिनेशन कहा जाएगा। क्वेश्चन 95, कार्बोक्सिलेट आइन एक्सेप्ट एच प्लस इन एसिडिक मीडियम, अमोनियम गिव एच प्लस इन बेसिक मीडियम। तो इस चीज को प्रोटीन बफर के तौर पर यूज किया जाता है। जो अमीनो एसिड होते हैं उनका जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, उनके अंदर एक ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीन ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक है और अमीन ग्रुप जो होता है ये बेसिक होता है। तो एसिड की खासियत होती है कि ये बेस को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। अगर इसको किसी सिस्टम के अंदर डाल दिया तो ये उस सिस्टम के अंदर चेंज इन एसिडिटी को भी मेंटेन करेगा और चेंज इन बेसिसिटी को भी मेंटेन करेगा। तो इस चीज को कहा जाता है प्रोटीन बफर, यानी प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड जो है ये बफर के तौर पर एक्ट कर रहा है। क्वेश्चन 96, विच इज प्यूरीन, तो एडिनाइन एक प्यूरीन है। क्वेश्चन 97, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर आइडेंटिफाइड बाय पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसकी वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में हो रही होती हैं। नॉर्मल लाइट जो होती है उसके अंदर वेव्स हर प्लेन के अंदर होती हैं, जबकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है PPL, उसको PPL कहा जाता है, उसके अंदर वेव्स की वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में होती हैं। तो जब भी कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी थ्रू अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये देखा जाएगा कि आया वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्वेश्चन 98, सीमेंट की स्ट्रेंथ के बारे में एक सवाल था जो कि कंप्लीट नहीं मालूम। क्वेश्चन 99, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 100, इसका आंसर बन रहा था वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, खालबन ये सवाल होगा डी ब्रोगली हाइपोथीसिस के बारे में। डी ब्रोगली हाइपोथीसिस के बारे में, ये हाइपोथीसिस एक्सप्लेन करता है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को। एक और क्वेश्चन है, एबनॉर्मेलिटी ऑफ ब्लड कनेक्टिविटी इज अनेमिया एंड हेमोफिला, इन दो बीमारियों के अंदर ब्लड की कनेक्टिविटी एबनॉर्मल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ पब्लिक एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स आर अफ्रेड ऑफ पेंडेमिक, इसका आंसर बनेगा अलाइक। काफी सारे ऑप्शन थे, उनमें जो सही आंसर बनता है वो है अलाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू गैस लीकेज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वर वल्नरेबल। तो ये था PPSC 2021 का फाइनल केमिस्ट्री का पेपर।